अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वोटर नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चौखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। चुनावी भाषणों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और इसके अलावा गीतों के माध्यम से भी विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने शनिवार को ई कमल वेबसाइट लॉन्च की। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वेबसाइट लॉन्च की गई। इसके अलावा चुनावी कैंपेन के लिए एक गाना भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोदी जी की लहर। इस गाने में भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने काम किया है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी महागठबंधन ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने, शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने, उद्योगों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न वादे किए गए हैं। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल व वाम दलों के प्रमुख नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन का संकल्प पत्र बदलाव के संकल्प को जारी किया। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण विषय बेरोजगारी है। हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने पर मुहर लगेगी। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और कारोबारियों का व्यवसाय ठप पड़ा है, ऐसे में हमने यह संकल्प लिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे विशेष दर्जा नहीं दिया गया। इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा, मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहां का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा, नया रास्ता बनाम हिंदू मुसलमान, नई तरुणाई बनाम फेल तजुर्बे तथा खुददारी बनाम नफरत के बीच का है। उन्होंने कांग्रेस के एक उम्मीदवार पर जिन्ना समर्थक होने के लगे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया जताई। ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया, ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे,
तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाई कोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया ना कोई आदेश दिया।